वेलकम बैक टू माय चैनल। तिमाही परीक्षा कक्षा 9वीं विषय इंग्लिश का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। देखिए, जो पेपर होगा 50 नंबर का होगा, समय रहेगा 3 घंटे। क्वेश्चन 1 में इस प्रकार का एक पैसेज दिया जा सकता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको पैसेज को ध्यान से देख लेना है, पढ़ लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नीचे दिया गया है, ये भी ऑप्शन में दिया गया है ऑब्जेक्टिव, तो आपको पढ़ लेना है क्वेश्चन को। उसके बाद जो ए बी सी डी चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कोई एक सही है उसको आपको टिक लगाना है। वैसे दूसरा भी है, तीसरा वाला भी वही है। आगे देखिए, बी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू वी कैन कॉल ए पर्सन हु इज़ गुड एट स्पोर्ट्स दैट रिक्वायर फिजिकल स्ट्रेंथ। तो आपको पैसेज में इसका आंसर ढूंढना है। हु मेड द फैमिली प्राउड, गिव द एंटोनिम्स ऑफ सेटिस्फाई। चौथा है तरुण वॉज नेवर गुड एट। पाँचवा है सिनोनिम्स ऑफ रिप्यूटेड। तो आपको पैसेज में इसका आंसर ढूंढ लेना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन 2। रीड द गिवन स्टेंजा ऑफ पोयम एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको इस पोयम को ध्यान से पढ़ लेना है। और नीचे क्वेश्चन दिया गया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में दिया गया है, तो उसको आपको बनाना है। आगे देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई यू थिंक द पोएट कॉल्स द गेम ए पीसफुल गेम। दूसरा है हु आर द अपोनेंट्स इन द गेम, अपोजिट ऑफ वार, सिनोनिम्स ऑफ डिस्ट्रैक्ट। तो ये सबका आंसर भी आपको इस पोयम में मिलेगा। क्वेश्चन 3 देखिए, गिव शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ये आपके टेक्स्ट बुक का है। डिस्क्राइब द जामुन ट्री एट लीस्ट अबाउट 5 सेंटेंसेस। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाई सालूमार द। तीसरा है, हु आर द नेक्स्ट केयर टेकर्स। चौथा है, व्हाट मेट अशोक फ्रॉम द हस्कर ग्रुप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डू एज डाइटेड, यानी ग्रामर है, जैसे आपको निर्देशित किया गया है वैसे आपको बनाना रहता है। आई शैल नॉट गो टू द पार्टी, आई एम नॉट इन्वाइटेड। इसमें क्या करना है, री राइट द सेंटेंसेज यूजिंग अनलेस। अनलेस का यूज करके आपको फिर से सेंटेंस को लिखना है। दूसरा है, सी इज ए सिंगर, सी इज ए ड्रामाटिस्ट। इसमें नॉट ओनली बट अल्सो का यूज करना है। तीसरा है, द बिहू इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ आसाम। फाइंड अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना है। चौथा है, योर डिनर इज ऑन द टेबल, नेम द टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कौन सा सेंटेंस है उसको आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, सी इज ए सिंगर, इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पोला इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेस स्टेट। दूसरा है, वंस अपॉन डेस टाइम देयर लिव्ड डेस ओल्ड मैन विथ हिज 5 सन। अब आगे देखिए, एक्सपेंड द फॉलोइंग, सी डबल एन एन लिखा है, आई बी एन, इसको आपको एक्सपेंड करना है। इसका फुल फॉर्म आपको लिखना है, IPL हो गया, FIFA हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए स्लोगन अगेंस्ट यूज ऑफ गुटका, यानी गुटका के खिलाफ आपको एक स्लोगन यानी नारा लिखना है। क्वेश्चन 6 देखिए, सपोज यू आर अरविंद साहू स्टडिंग एट RK सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल अकलतरा, राइट एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम जहांगीर टू बिलासपुर। तो आपको TC के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट एन एसे ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 to 200 words। आपको इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर आपको एसे लिखना है, जो भी आपको सूटेबल अच्छा लगे उसके हिसाब से आपको एसे लिखना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके 9वीं इंग्लिश तिमाही पेपर में आ सकता है। सेम टू सेम आएगा नहीं, लेकिन इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी तक शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।